गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 5। स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटली लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट विद थ्योरी एंड एग्जांपल। वी कंप्लीट अवर फोर्थ चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन द फोर्थ चैप्टर वी लर्न व्हाट इज द फाइल, व्हाट इज द फोल्डर, हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू फोल्डर, व्हाट इज द डेस्कटॉप एरिया, हाउ मेनी areas in a single desktop, it means icons, wallpapers and start buttons, all those are things we learn very well by theory and the practical. Now today we are just revise our fourth chapter, three chapters, second chapter and first chapter. So today we create a video for revision of chapter number 1, 2 and 3. Chapter number 4 is practical chapter, so I think it is very easy for you. Chapter number 1, 2 and 3 are theory. These are the basic concept of computer, input devices, output devices, some hardware, some softwares, what is the memory, what is the storage devices, all those basic important things are discussed in chapter number 1, 2 and 3. So we take a revision lecture of chapter number 1, 2, 3. So today we learn standard 5 computer subject revision of chapter number 1, 2, 3. In chapter number 1, function and parts of a computer, basic parts of a computer, it means the input, process and output. It's called IPO, input, process and output. Clear? Input, process and output. It means when you give any instruction, any data to input, computer receive it, then process on it, and after process we show a result, it's called output. It's called IPO cycle. We give instructions or a data in a computer, it's called input process. Computer take the data and process on it, and then after processing he give us a result, is called output. Clear it na? Okay, so it's called in IPO cycle, input, process and output structure. It is a basic method or a basic functionality of a computer. Then next, the main part of a computer is process. Main part of its process, it divides in memory, storage and all the main things, all programs. Okay, all type of calculation, all type of programming are basically main core part of the system. IPO cycle is process. ठीक है, हमने किसी को नोटिस दे दिया, किसी को ऐसा बोल दिया कि ये काम करना है, तो वो मेरा इनपुट हुआ, पर वो व्यक्ति वो काम कैसे करेगा, वो उसका कौन सा तरीका यूज करेगा काम के लिए, वो डिफरेंट मैटर हो सकती है, पर मुझे तो वो काम का क्या चाहिए, रिजल्ट. ठीक है, तो इसी तौर पे, इसी तरीके से, इसी मेथड से हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है. फिर आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स. तो कीबोर्ड है, माउस है. ठीक है, जैसे कि इनपुट है, तो इनपुट हम कौन सी चीज से देते हैं, बेसिकली कीबोर्ड से. किसे देते हैं, कीबोर्ड से. आउटपुट हम किस पे देखते हैं, मॉनिटर पे. रिजल्ट हम मॉनिटर पर देखते हैं. कीबोर्ड की जगह हम इनपुट के लिए माउस भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, आउटपुट हम मॉनिटर पे भी देख सकते हैं. और प्रोसेस के लिए हमारे पास एक ही नाम आता है, जो है सीपीयू. सीपीयू इज अ मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर और अ मेन डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ऑल प्रोसेसिंग, ऑल द स्टोरेज डेटा एंड ऑल द मेमोरी रिगार्डिंग फंक्शंस डू इन अ सीपीयू. ठीक है, इतना क्लियर है. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो पार्ट्स, ये जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में है कि भाई कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, तो कीबोर्ड से हम लेटर टाइप कर सकते हैं, सिंबल्स दे सकते हैं. ठीक है, कीबोर्ड का मैं लेती हूं,
कीबोर्ड से हम लेटर्स डाल सकते हैं, डिजिट दे सकते हैं, फिर हम ऐसे कुछ डॉलर साइन है, परसेंटेज साइन है, ऐसे सिंबल्स भी हम कीबोर्ड थ्रू दे सकते हैं, फिर F1 है, F12 है, वो सारी फंक्शंस की है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, फिर कंट्रोल ऑल्टर वो सारी की है जिसका उपयोग करके हम पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, क्लियर है। फिर आता है हमारे पास माउस, दूसरा क्या आता है हमारे पास माउस, पहला था कीबोर्ड, दूसरा है माउस, दोनों हमारे इनपुट डिवाइसेस है। तो माउस जब हम यूज करते हैं तो हम क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जब हम माउस यूज करते हैं तब हम क्लिक वर्ड यूज करते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक, माउस का राइट क्लिक, ठीक है, उससे हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उससे हम कुछ चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को हम मूव कर सकते हैं, क्लियर है। फिर मतलब कहने का मतलब है ये सारी फास्ट कुछ हमें काम करना है तो हम क्या करेंगे, माउस का यूज करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड में हम की प्रेस करते हैं, माउस में हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लियर है इतना। तो ये बेसिक कीबोर्ड और माउस के बारे में। फिर आउटपुट डिवाइसेस ले लेते हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर है, तो मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इट मींस कि वो हमें डिस्प्ले देता है, विजुअलाइजेशन कराता है, दिखाता है, तो वो है हमारा VDU, ठीक है। फिर आउटपुट दूसरा कौन सा है मेरे पास, प्रिंटर, कौन सा है, प्रिंटर, जो हमें प्रिंट किस पे देता है, पेपर पे, उसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी, जो मॉनिटर में देता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, ई कॉपी भी बोलते हैं, पर जो प्रिंटर हमें आंसर देता है वो हमारी क्या होती है, हार्ड कॉपी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रिंटर है, सबसे पुराना जो प्रिंटर था वो क्या था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो बहुत धीमे काम करता था और उसमें पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद कौन सा आया, इंकजेट प्रिंटर, कौन सा आया, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, जिसमें हम बहुत अच्छे से पिक्चर क्वालिटी ले सकते हैं, जिसमें इंक के थ्रू पिक्चर प्रिंट होता था। अब उससे भी लेटेस्ट आ गया है हमारे पास, जो है लेजर प्रिंटर, कौन सा है, लेजर प्रिंटर, जो सबसे लेटेस्ट माना जाता है लेजर प्रिंटर, जो सबसे फास्ट भी है, कॉस्टली भी है, ठीक है, पर इसकी लाइफ ज्यादा है, मतलब हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में पिक्चर का प्रिंट लेना है तो हमें लेजर प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा, क्लियर है इतना, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मेन है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, उसमें प्रोसेस और मेमोरी दोनों यूनिट आते हैं, प्रोसेस और मेमोरी दोनों यूनिट आते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में हम जो डेटा देते हैं उसके ऊपर फंक्शनैलिटी होती है, उसको स्टोर करना है, उसको डिलीट करना है, उसको क्या करना है, मेन फंक्शनैलिटी जो होती है वो किसमें होती है, CPU में, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए CPU को क्या बोलते हैं, कोर पार्ट या फिर ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्लियर है इतना, ठीक है। सारे काम जैसे कि ह्यूमन बींग में कौन करता है, माइंड, तो इसी तरह से कंप्यूटर में कौन करेगा, CPU, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, वेरी शॉर्टली मैंने आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा था सिंपल व्हाट इज एंड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जो है IPO साइकिल, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, इंस्ट्रक्शन देना, उसके ऊपर प्रोसेस करना, देन गिव रिजल्ट और आंसर, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, बहुत शॉर्टली मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर 1, ठीक है, ये रिवीजन के तौर पे, इससे अच्छे अच्छे डिटेल्ड वीडियो तो हम देख चुके हैं, बन चुके हैं हमारे, ठीक है। बेसिकली इनपुट हमारे पास कौन सा आता है, कीबोर्ड माउस आता है, जब कीबोर्ड यूज करते हैं तो हम प्रेस वर्ड यूज करेंगे जिससे हम लेटर डिजिट सिंबल सब कुछ टाइप कर सकते हैं, जब हम माउस यूज करेंगे तो हम देखेंगे क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक,
जिसका यूज करके हम ड्राइंग बना सकते हैं, किसी पिक्चर को मूव कर सकते हैं। फिर आता है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसका यूज करके हम रिजल्ट देख सकते हैं, मतलब जो टीवी स्क्रीन है ऐसा डिस्प्ले आता है। फिर उसके ऐसा ही कॉपी हमें पेपर पे लेना है तो हमारे पास प्रिंटर आता है। प्रिंटर में 3 टाइप्स है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर, और सबसे मेन हमारा पार्ट है सीपीयू। ठीक है, क्लियर है। अब हम सीपीयू के बारे में ज्यादा जानेंगे, जो है हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू हमारा मेन है, जिसमें हम स्टोरेज भी कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे सर्किट्स होती है, छोटे छोटे चिप्स होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड होता है, मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ सर्किट्स, चिप्स एंड मदरबोर्ड। ठीक है, ये सब का कलेक्शन होके बनता है सीपीयू। बहुत सारे उसमें कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सीडी डीवीडी का कंपार्टमेंट, पेन ड्राइव का प्लग, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, वो सब कुछ होता है। अब इसमें 3 मेन पार्ट है। पहला है सीयू, मतलब कंट्रोल यूनिट, जो सारे प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। मतलब आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो उसको कहां भेजना है, ठीक है, वो कौन करता है, सीयू। अगर हमारे सीपीयू के साथ दूसरे पार्ट्स, दूसरे डिवाइसेस अटैच है तो वो अटैच है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो चेकिंग भी कौन करता है, सीयू। आपने प्रिंट का मैसेज दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, पर प्रिंटर अटैच नहीं होगा तो वो मैसेज देगा ना, तो वो सारा काम कौन करता है, सीयू। इवन इफ जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो उसको स्टॉप करने का भी कौन कहता है, सीयू। दूसरा हमारे पास आता है एएलयू। ठीक है, एएलयू जो पूरा कैलकुलेशन करता है, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन, मतलब आपने कोई फंक्शन दिया है, कोई कैलकुलेशन दिया है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन दिया है, वो सारा काम कौन करेगा, एएलयू, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, वो मैथ्स के सारे डिफिकल्ट सम्स भी कर लेता है और उसका आंसर देता है। सीपीयू का जो तीसरा पार्ट हमारे पास बनता है बच्चों, जो है मेमोरी यूनिट, एमयू। कौन सा है, एमयू, मेमोरी यूनिट, जो क्या काम करता है, स्टोरेज का। ठीक है, जो क्या काम करता है, स्टोरेज का। हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो स्टोर होएगा कि नहीं, डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, कितनी स्पेस बाकी है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, मेमोरी यूनिट। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर द सीपीयू। एक बार फिर से आप देख लीजिए स्क्रीन पे, सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट्स अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देर आर 3 मेन कंपोनेंट या फिर 3 मेन पार्ट इन सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड डायरेक्शन टू ऑल द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उसको डायरेक्शन देता है कि आपको कहाँ जाना है, एएलयू में जाना है, एमयू में जाना है, कि स्टॉप होना है, वो सब कुछ कौन करता है, सी। एरिथमेटिक यूनिट्स इज डू ऑल द एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशंस। इसमें बेसिक डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी आ जाते हैं। मेमोरी यूनिट स्टोर ऑल द डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो डेटा हम सेव करते हैं वो कहाँ जाता है, एमयू में, मेमोरी यूनिट में।
वो डेटा को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, और बाकी जब हम चाहते हैं तब वो वापस भी देता है, मतलब रिट्राइव भी करता है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड चैप्टर का रिवीजन, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का रिवीजन हुआ। अब हम मूव लेते हैं थर्ड चैप्टर। स्टोरेज होता है डेटा, पर कौन से फॉर्म में होता है, कौन से डिवाइस में स्टोर होता है, वो सब हमें देखना है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर का रिवीजन है, थर्ड चैप्टर हमारा है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज मतलब देखो, स्टोरेज मतलब हम हमारे घर में भी रूटिंग लाइफ में भी क्या करते हैं, अगर कुछ चीज को कैरी करना है तो पर्टिकुलर बॉक्स में या फिर बैग में इस तरह से लाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी डेटा को स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टोरेज में हमारे पास दो पार्ट आते हैं, जस्ट होल्ड, कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो मुझे लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना है, कुछ ऐसा होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए याद रखना, मतलब टेम्पररी, आज के दिन के लिए, कल उसका यूज नहीं है। ठीक है, तो दो टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्लियर है। प्राइमरी में आता है हमारे पास रैम एंड रोम, इसको हम इंटरनल भी बोलते हैं। कौन सी मेमोरी? इंटरनल मेमोरी। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, उसका एग्जांपल मैं लिखती हूं, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, और बहुत पहले आपने शायद देखी भी नहीं होगी फ्लॉपी आती थी डेटा कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके ये एग्जांपल है। अब जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो डेटा और इंफॉर्मेशन एट अ टाइम कोई एक टेम्पररी मेमोरी में जाता है। ठीक है, वो है हमारा रैम। क्या है रैम? कंप्यूटर कौन से मतलब कौन सी लैंग्वेज समझता है, जो है बाइनरी डिजिट, वो कौन सा डिजिट समझता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट इट मींस 0 एंड 1। कंप्यूटर कौन सी सिस्टम समझता है? बाइनरी सिस्टम, जिसमें 0 और 1 डिजिट का कॉम्बिनेशन होके पूरा सिस्टम बनता है। ठीक है, हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? डेसिमल मेथड, 0 से लेकर 9 तक का। ठीक है, पर कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम एक्सेप्ट करता है, जिसमें 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब हम मतलब कंप्यूटर ऑन करते हैं, पावर ऑन किया, फिर जब लिखना शुरू करते हैं, जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है, तब कोई एक मेमोरी एक्टिव होती है, और वो है हमारी प्राइमरी मेमोरी। कौन सी प्राइमरी मेमोरी? इट मींस रैम। कौन सी है? रैम। जब हम कोई प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के इनबिल्ट होता ही है, जिससे कंप्यूटर ऑन होता है, वो सारे प्रोग्राम्स किस में होते हैं? रोम में। रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है इतना? ये सारी मेमोरी ऐसी है, जैसे कि रैम में जो मेमोरी होती है वो कैसी होती है? टेम्पररी। अगर पावर चला गया, मतलब पावर ऑफ हो गया, तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा।
ठीक है, हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो रैम कैसी मेमोरी है? टेम्पररी, ठीक है। जब जैसे कि अभी देखो, मैंने स्टार्ट किया कंप्यूटर, लिखना शुरू किया और पावर सप्लाई चला गया, तो जितना एक दो लाइन लिखा होगा वो भी मेरा चला जाएगा, तो वो कौन सी मेमोरी है? रैम। पर मैं वही फाइल को सेव करती हूं तो वो किस में जाता है? हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेस कैसे हैं? परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। कैसे है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें लॉन्ग लाइफ मतलब लाइफ टाइम आप डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर सीपीयू के जो सारे इंस्ट्रक्शन है, जो सारे मेन मेन प्रोग्राम है, वो किस में होते हैं? रोम में होते हैं। किस में? रोम में। पर यूजर मतलब हम सब लोग जो कंप्यूटर का यूज करते हैं, उसका डेटा जनरली किस में जाता है? हार्ड डिस्क में। फिर हम पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं डेटा को कैरी करने के लिए, किसी और जगह लाने ले जाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? पेन ड्राइव, ठीक है। सबसे मेन क्या होता है? हार्ड डिस्क, जो डिफॉल्ट है मतलब कंप्यूटर में इनबिल्ट होता ही है, ठीक है, हमें उसमें अलग से लेना नहीं होता है। सबसे मेन क्या है? हार्ड डिस्क, जो एक मैग्नेट का पूरा बॉक्स होता है, केस होता है, जिसमें बहुत सारी प्लेट्स होती है, रिबन का केबल भी होता है जिससे वो मूव होती है, और वन बाय वन उसके हेडर से वो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव, जो है सीडी और डीवीडी। ये दोनों क्या है? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल ड्राइव है जो है सीडी डीवीडी, जिसमें भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। फिर पेन ड्राइव है हमारा यूएसबी ड्राइव, जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, यूएसबी ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, जिसमें हम इजीली डेटा कैरी कर सकते हैं और उसको हम इजीली किसी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, फ्लॉपी तो बहुत पुरानी है, आपने देखी भी नहीं होगी शायद से, सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किस में आती है? हार्ड डिस्क में। किस में? हार्ड डिस्क में। फिर सबसे कम सीडी में, उससे ज्यादा डीवीडी में, उससे ज्यादा पेन ड्राइव में, और सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क में, ठीक है। हार्ड डिस्क इनबिल्ट होता ही है, सिर्फ हमें डेटा सेव करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है इतना? तो ये हमारा हुआ चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ हमने वेरी क्लियरली चैप्टर नंबर 1, 2, और 3 का रिवीजन भी ले लिया है, ठीक है। आप ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, सब कुछ याद कर लेना, इसमें आने वाले सारे फुल फॉर्म्स वगैरह रैम रोम के, ALU के, MU के, ठीक है, वो सब आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। आज का वीडियो यहाँ पे ही स्टॉप हम करते हैं, आप ये 3 चैप्टर लर्न कर लेंगे।